हुआ है यहाँ पे, अचानक से कुछ झमेला हो गया यहाँ पे, कुछ केसेस हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर प्रदीप ब्लॉगर चैनल। में आज हम सुबह में दीघा आए थे जैसे आप लोग को पता है, तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पे पूरा खाली है। अभी बारिश नहीं हो रहा है, मौसम बहुत ही अच्छा है, लेकिन देख सकते हो ये पीछे पूरा होटल है, ये नया बना है दीघा में, ये हमारे स्टेट की ममता बनर्जी जी ने बनाई है। और ये इतना अच्छा पहले नहीं था, पहले बहुत ही मतलब घूमने लायक उतना अच्छा प्लेस नहीं था, लेकिन अब ये बहुत अच्छा प्लेस हो गया है। देख सकते हैं, पूरा व्यू दिखा देता हूँ आपको। देखिए समुद्र है, समुद्र भी दिखाऊंगा आपको। ये सब नया होटल बना है। अब यहाँ कभी दीघा में देख रहे, पहले लॉकडाउन से पहले और आफ्टर लॉकडाउन इसका हालत बहुत ही ख़राब है। अभी कुछ भी लोग नहीं दिख रहे हैं, इतना लोग खाली नहीं रहता था। और एक चीज़, आप न्यू दीघा में ही नहा सकते हो, ओल्ड दीघा में नहीं नहा सकते हो, वहाँ पे सिर्फ घूम सकते हो। इसलिए न्यू दीघा ही स्टे करने का कोशिश करो, जहाँ पे आप लोग इन्जॉय कर सकते हो, नहा सकते हो। और ये नया होटल बना है, बीच व्यू। और आफ्टर लॉकडाउन के बाद अनलॉक तो हो गया है, लेकिन दीघा के लिए अभी भी लॉकडाउन है, क्योंकि लोग यहाँ नहीं आ रहे कोरोना के वजह से, कोरोना के भय के वजह से। ठीक है, अभी भी होटल वाले बहुत ही सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन क्या है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए। और चलिए आपको हम बीच दिखाते हैं। चलिए हम लोग दीघा की तरफ जाते हैं, दीघा बीच की तरफ। और आपका बीच दिखाता हूँ, न्यू दीघा में भी आप नहा सकते हैं। ये याद रखिएगा कि ओल्ड दीघा बुकिंग करने से आपको न्यू दीघा आना पड़ेगा नहाने के लिए, ओल्ड दीघा में नहाना अलाउड नहीं है। तो चलिए बीच की तरफ चलते हैं। देखिए समुद्र खाली है, पूरा दीघा खाली हो चुका है, लॉकडाउन से अनलॉक हो गया, लेकिन दीघा के लिए नहीं। ये जो भी आप देख रहे बना है, ये इस साल भर हुआ है। और अब देख सकते हैं कितना सुंदर है। ओल्ड दीघा में अब नहीं नहा सकते हैं ना, सिर्फ न्यू दीघा यहीं आना पड़ेगा नहाने के लिए। तो ओल्ड दीघा में स्टे करने से जो नहाने वाने एंजॉय करने के लिए आते हैं, ओल्ड दीघा मतलब होटल कम हो गया होगा प्राइस वाइज में अभी, तो वहाँ तो कोई स्टे नहीं कर रहा है, नहाने वाने के प्रॉब्लम होता है वहाँ पे। पहले की तरह भीड़ नहीं है, पूरा खाली है, अभी खाली तो है, टाइम लगेगा अभी नॉर्मल होने में, अभी वैक्सीन निकल रहा है, पूरा खाली है, तो पूरा जाम रहता था। ठीक है, तो देखिए आप, मैं एक आदमी से बात किया, वो बोला कि होटल अभी बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है इसके वजह से, तो पूरा खाली है। देखिए ये ओल्ड दीघा, न्यू दीघा सॉरी, जो नया दीघा है अपना, मुंबई बीच जिसको बोलते हैं, पत्थर पड़ा रहता है, हम लोग का भी आ गया है, हम लोग का मुंबई बीच से कम नहीं है, कोलकाता वेस्ट बंगाल। और चलिए आपको बीच के पास ले चलते हैं, देख लीजिए क्या व्यू है, बहुत ही अच्छा मौसम। घोड़ा के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं लोग, क्या कर सकते हैं, उनको भी तो खाना चाहिए। और चलिए आगे चलते हैं आस्ते आस्ते। देखिए पूरा बीच पूरा खाली है, इतना खाली रहता नहीं है, ये बहुत भीड़ रहता है यहाँ पे। और आप सिर्फ न्यू दीघा पे ही नहा सकते, ओल्ड दीघा पे नहीं, तो ये याद रखना, ओल्ड दीघा में होटल चांस कम लेना बुकिंग करने का। तो चलिए हम आगे चलते हैं बीच के पास, तो बीच दिखाते हैं, बीच के पास हम लोग बहुत हैं, बीच के पास जा रहा हूँ सिर्फ आप लोग के लिए। मैं आज नहाने का मूड में नहीं, बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत मौसम अच्छा है और बहुत ही भीड़ था। देखिए देखिए पूरा एकदम क्लीन बोलते हैं ना,
कितना अच्छा से इसका ख्याल रखा जा रहा है अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए पूरा क्लीन है बीच, एक गंदा नहीं मिलेगा आपको। देखिए पानी कितना क्लीन है, बालू देखिए बैठा हुआ पूरा। तो इसलिए समुद्र में गंदगी नहीं फैलाए, कुछ भी खाए तो पॉकेट में रख ले। और देखिए कुछ हुआ है यहाँ पे, कुछ हुआ है यहाँ, कुछ हुआ है यहाँ पे। देखिए कुछ हुआ है यहाँ पे, अचानक से कुछ झमेला हो गया यहाँ पे, कुछ केसेस हो गया। तो आप देखिए कितना झमेला हो रहा है वहाँ पे, कुछ हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। मैं जाने से वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, मैं तो कोलकाता से आया हूँ। तो इसलिए अपना आगे बढ़ते हैं, अपना बीच दिखाते हैं आपको। ये कितना सुंदर बीच है, देखिए देखिए बहुत सुंदर बीच है। और यहाँ बहुत मज़ा आता है नहाने में, देखिए कितना साफ है, क्लीन पानी। ये कितना साफ है देखिए। चलिए अब बाद में बात करते हैं आप लोगों से, देखिए पानी का ढेर आ रहा है।